दोस्तों, आज सुबह के 5 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं तालाब में नहाने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा सामान रख दिए हैं और इसके अंदर चलेंगे नहाने के लिए। इस समय हम लोग आंध्र प्रदेश में हैं और नहाने के बाद मंदिर का दर्शन कराते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो में बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग नहा चुके हैं, कपड़ा चेंज हो चुका है और उधर देख लीजिए बैग वैग में सब कुछ, जूता पहनेंगे अब। और उधर आपको दिख रही होगी मंदिर, इस मंदिर में हम लोग रुके हुए थे। यहाँ के लोगों में कुछ, सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग बहुत अजीब तरह के हैं यहाँ पर, जैसे विचित्र दुनिया में होते हैं वैसे ही। और इस तालाब में हम लोग नहाए हैं और यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर में। मंदिर के सामने हमारी साइकिल रखी हुई है और वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि आज है चार धाम का 19वां दिन। ओके दोस्तों, दोस्तों आज है सफर का 19वां दिन। चार धाम यात्रा में आज 19वां दिन है दोस्तों। और हम नंदी गांव के आसपास में, मतलब वहीं पर एक मंदिर थी, वहां रुके हुए थे। और ये है NH-16 जो कोलकाता से चेन्नई के लिए जाता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी है, सूर्योदय हो चुका है और हमारी साइकिल रेडी है और हम भी रेडी हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो बने रहिए। क्या सफर है दोस्तों, तो इस सफर को तो हम जिंदगी भर याद रखेंगे और शायद आप लोग भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, हाय गाइस, मैं बिहार कराने वाला हूँ और फिर हमारे साथ में उठी के और यात्रा करते हुए समय में मेरा भाई लोग बैठा गए हैं और जो तेलुगु वाला भी आया था तो कुछ खाना वाना खिलाने का प्रयास किया और थोड़ा हम भी हेल्प किए एक भैया को जितना मेरे से हुआ उतना। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना भी दर्शक को देख रहा है इस चैनल को आप लोग कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें, क्योंकि इन भैया लोग को बहुत ज़्यादा दिन, काफ़ी दिन हो गया, 19 दिन हो गया है छुट्टी और बिहार से यहाँ तक आंध्र प्रदेश में आए हैं लोग। और अब मैं आंध्र प्रदेश में बहुत काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ और बहुत मैं खुशी का बात यह है कि भैया हम लोग का साथ में मिले हैं। चलिए, थैंक्स भैया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी जिला के, और इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया यहाँ पर आने के बाद, नाश्ता पानी हर तरह। मेरा रूम दूर है दोस्तों ना, तो मैं अपना रूम पर ले जाकर खाना वाना खिला कर भी इनको पटाते हैं। अभी हम लोग फिलहाल मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में हूँ और जो अभी ओवर ब्रिज के नीचे में हूँ हम लोग। अभी देख रहे हैं मेरा सबसे प्यारा सबसे झंडा हिंदुस्तान का है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग यहाँ पे NH-16 पर रुके हुए थे। तो हम लोगों को एक नए ब्लॉगर मिले हैं, इनका नाम विशाल है
विशाल भाई है और ये मिले हम लोगों को, लगभग देख सकते हैं उनका साइकिल वहाँ 200 मीटर दूर होगा और वहाँ से हम लोगों के पास आए हैं और रोक के चाय भी पिलाए हैं, बाकी नाश्ता भी कराए हैं। तो देखते रहिए इनके साथ, और इनसे मिलकर हमको ये लगा कि हम लोगों की पागल की तरह ये भी है। तो गाइस मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और भाई लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि भाई लोग बहुत मुश्किल से नॉर्मल साइकिल लेके यूपी से, अभी फिलहाल इधर से चेन्नई 900 किलोमीटर है। तो मैं जब यूपी में साइकिल चला रहा था, मेरे को बहुत 100% यूपी वाला लोग हेल्प किया, और मैं भी यूपी का ब्लॉग डाला हूँ क्योंकि यूपी एक ग्रेट जगह है। और भाई लोगों को मैं अभी अलविदा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी अभी 50 किलोमीटर जाना है, तो अभी 6:20 हो चुका है। तो और आप लोग कुछ बोलना भाई? नहीं, हो गया। अब हम लोग भी आगे चलते हैं, देखते हैं आज का स्टॉप कहाँ बनता है, तो बने रहिए हमारे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो सफ़र का ये 20वां दिन, चार धाम यात्रा में आज 20वां दिन हो गया है दोस्तों, और समय हो रहा है 5 के लगभग, और हम लोग इस मंदिर से, जो मंदिर पीछे दिख रहे हैं, इस मंदिर से निकले हैं और आगे का सफ़र जारी रहेगा। तो वीडियो में तो हम अभी रण स्थलम, जो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उसको क्रॉस किए हैं और चल रहे हैं विशाखापट्टनम के तरफ, चेन्नई एक्सप्रेस पर, चेन्नई फिर कोलकाता को जाने वाला जो रोड है उस पर, NH-16 पर। ओके दोस्तों, तो आज है सफ़र का 20वां दिन और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि इधर का रूट भी वैसा ही है जैसे झारखंड में पड़ा हुआ था। तो डेली बेस पर हम लोगों का चाल धीमा पड़ता जा रहा है, आगे का जानकारी देते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर ताड़ का पेड़ नहीं, झाड़ है ताड़ का। हमारे तरफ इसे तरकुल का पेड़ कहते हैं, और ये है बांस का ये पर्वत, और उधर देखिए ये नारियल का पेड़, केले का पेड़, और बहुत कुछ देख लिया आप लोग, बाद में बात मुझे भी देख लीजिए अच्छे से। देख सकते हैं ये कैसा पेड़ है, बहुत ही घना, एक तरह से जंगल की तरह है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो साइड से जितनी गाड़ियां अधिकतर जा रही हैं, ये विशाखापट्टनम के लिए जाएगा, और हम लोग उस रोड को पकड़ेंगे, विशाखापट्टनम वाले को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो सीधा चेन्नई होते हुए निकलना है रामेश्वरम के लिए। ओके दोस्तों, दोस्तों हम रूट चेंज कर दिए हैं, विशाखापट्टनम वाले रोड को छोड़ दिए हैं और आगे का सफ़र जारी है। दोस्तों थकान काफ़ी हो चुकी है, सुबह से कुछ खाए भी नहीं है और कुछ मिल भी नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात है। ओके, सुबह सुबह फिर चल रहे हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। समय हम लोग विशाखापट्टनम के एरिया से गुजर रहे हैं, हम लोग की हालत बहुत ख़राब चल रही है दोस्तों इस समय, और जब से चले हैं तब से कोई भी वेज होटल नहीं मिला है, ना ही कोई मंदिर ऐसी मिली है जहां पर हम लोग भोजन कर सकें। सुबह से हालत ख़राब चल रही है, और ये इधर आपका सीन देख सकते हैं दोस्तों, इधर सिर्फ पहाड़ है और कुछ नहीं, हर तरफ इधर देखो दोस्तों पहाड़ी पहाड़ है दोस्तों, इसलिए थकान भी हो रही है। और इधर हम लोग मेन हाईवे से चल रहे हैं, तो कहीं उतरने का जगह भी नहीं है कि हम लोग कहीं छाया में रुक सके, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है।
आपको बता देना चाहेंगे कि आज के सफर का जो आखिरी वीडियो है वो यहीं का है। ये मंदिर में हम रुके हुए हैं दोस्तों आज, और इस मंदिर में हम लोग काफ़ी पहले ही आ चुके थे और कुछ देर के बाद अब हम यहीं पर रुकेंगे आज की रात, और फिर सुबह चलेंगे आगे के सफ़र के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। ओके दोस्तों, और इस मंदिर को हम दिखा देते हैं आपको। ये नेशनल हाईवे 16 यहीं से हम लोग आए हैं और इधर को जाना है, और यहाँ पर रुके हुए थे तो पूछे भाई से, एक यहाँ पर लोग, ये एक लोग थे यहाँ पर, तो उनसे पूछे यहाँ रुक सकते, तो उन्होंने कहा कि हाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पर रुक जाते हैं आज और आगे का सफ़र कल पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ घुल मिल गया। और दोस्तों ये मेरा दोस्त गेम में लगा हुआ है, एक्चुअली उसका शौक भी था पहले, काफ़ी खेला भी है, हम तो कभी खेलने गए भी नहीं क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा ये था, तो हम कभी खेलने गेम के लिए तो कभी हमारे घर से इजाज़त नहीं मिला, और ये सफ़र के लिए भी इजाज़त नहीं था। आप लोगों को पता ही है काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें इस सफ़र में आने के लिए इजाज़त मिला है दोस्तों, तो ऐसा ना हो कि हम सफ़र में निकले भी है और आप लोगों का सहयोग ना मिले, तो कृपया सहयोग करें, सपोर्ट करें दोस्तों। ओके okay?